जिंदगी मुझे तेरा पता चाहिए। साईं वो तो आप ठीक कह रहे हैं, मगर इस हालत में मेरे पास एक औरत का होना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैं आपसे नहीं कर सकती। मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, थैंक यू सो मच, मैं चली जाऊंगी, आप तकलीफ ना करें। अगर तुमने जेठ जी को मना लिया ना कि वो शादी कर ले सचल से, तो समझो सब कुछ ठीक हो जाएगा। मेरे तुमसे जितने भी गिले शिकवे हैं ना, मैं सब कुछ भूल जाऊंगी। पता नहीं क्या समझता है खुद को, बात करने की तमीज ही नहीं है। जब दिल चाहता है डांट देता है। अब सामने तो आए मेरे, अच्छी तरह समझाऊंगी इसे। हाय आशी, क्या हो गया, ये किससे बातें कर रही है तू? किसी से नहीं खाला, अपने आप से ही बातें करती रहती हूँ। वो चली हो गई है तू, कोई परेशानी? परेशानी खाला, परेशानी तो थी, मगर अब उस परेशानी को सर से उतार दिया मैंने। पुत्र क्या हो गया तुझे, तेरी तबीयत तो ठीक है ना, कहीं बुखार शुखार तो नहीं हो गया? खाला तू भी मेरा मजाक उड़ा रही है, हंस रही है मुझ पे। पता नहीं यहाँ सबको क्या हो गया है। पुत्र और किसी का तो मुझे पता नहीं कि उसे कुछ हुआ है या नहीं हुआ, पर तुझे ना जरूर कुछ हो गया। मुझे क्या हो गया मुझे खाला, तू ही बता दे। मैं और पुत्र मैं क्या बताऊं, ये बीमारी तो लाइलाज है, ना ही इसका किसी के पास इलाज है और ना ही इसकी कोई दवाई है। हाँ समझा ले अपने आप को और समझा ले अपने इस भोले दिल को। ओह हाँ याद आया, मैं तो सिली को ढूंढने आई थी, कहीं देखा तूने उसे? हाँ खाला, बाहर बैठा हुआ था। बैठा होगा वो भी अकेला, अपने आप से बातें करता तुम्हारी तरह। ना ही मैं उसके लिए कुछ कर सकी हूं और ना ही तुम्हारी तरह। समझा ले अपने आप को और ये अपनी सोचों से फुर्सत मिले ना तो आकर चावल खा लेना, गुड़ वाले बनाए हैं मैंने। हेलो, हाँ इमरान, काम हो गया? वेरी गुड। अच्छा मेरा भाई एक काम कर, मुझे सारी डिटेल जो है ना वो व्हाट्सएप कर दे, अभी मैं खुद ही प्रिंट निकलवा लूँगा। हाँ यार, अभी यार तेरे सारे सवालों का जवाब मैं बाद में दूँगा, तू अभी बस मुझे ये सब भेज, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। खुदा हाफिज़। नीनी, नीनी पुत्र ऐसी क्या बात है जो तू दरवाजा बंद करके मुझे बताने वाली है? ऐसा बोल खाला, बहुत खास बात है। अच्छा ना, चल जल्दी बता, मेरे दिल में तो होल उठ रहे हैं। सब ठीक ठाक तो है ना? कुछ ठीक नहीं है खाला, जो अपनी मीरा बाजी है ना उसे राणा तनवीर ने अगवा किया हुआ है। क्या, ये तू क्या कह रही है? मैं ठीक कह रही हूँ खाला, वो बेचारी राणा तनवीर के पास है, मैंने खुद अपने कानों से बड़े सही और तनवीर की बातें सुनी है। मेरे पास कोई और तरीका नहीं था, इसीलिए मैंने तुझे आज यहाँ बुलाया है। पर पुत्र मैं किसे जाके बताऊं? बता कौन है ऐसा जो बड़े सही से दुश्मनी लेगा और वो भी हमारी खातर? खाला कुछ तो करना पड़ेगा, मीरा बाजी की जान को खतरा है, तो जाकर बता किसी को। बड़े सही ने तनवीर को कहा है कि मीरा बाजी को जान से मार दो, उसे जिंदा ना जाने दो। खाला तू यहां से जाके पुलिस को इतला कर दे। पुलिस वाले भी उनकी बात मानते हैं, हम गरीबों की क्यों सुनेंगे भला? वो बेचारी मुझे लेने यहां तक पहुंच गई थी, मैं सब कुछ जानते हुए मैं कैसे चुप रह सकती हूँ? तो सोच खाला, कुछ तो करना होगा। सावंत साईं भी यहाँ नहीं है, वो हमारी मदद जरूर करते,
कोई तो ऐसा होगा जो हमारी मदद करे। खाला तुझे ही कुछ करना होगा, तू देर ना कर खाला, जल्दी जा कुछ कर। ठीक है पुत्र, मैं कुछ करती हूं, तू फिक्र ना कर। ठीक है पुत्र, मैं अब जाती हूं, तू अपना ख्याल रखना मेरी बच्ची। तू मेरी फिक्र ना कर खाला, मैं ठीक हूं यहां पर, बस मीरा बाजी को बचा ले, उन्हें कुछ नहीं होना चाहिए, कुछ भी नहीं। नहीं पुत्र, उसे कुछ नहीं होगा, उसे मेरा सोना रब बचाएगा, और जिसे रब बचाता है ना, उसे कोई कुछ नहीं कह सकता। अल्लाह के हवाले, या अल्लाह आए, किस इम्तिहान में डाल दी आए। कहाँ जा रही है? वो मैं वापस जा रही हूँ सर। नीनी ने तो कहा था कि उसे तुम्हारी जरूरत है, तुमने उसके पास रहना था, फिर इस वक्त तुम चोरों की तरह कहाँ जा रही हो, क्या छुपा रही हो मुझसे? जी सही, कोई बात भी नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ बात तो है, जबी तो इस तरह जा रही है, क्या पैगाम लेकर जा रही थी, बोल जवाब दे। कुछ नहीं जी, वो हाँ वो नीनी सोने लगी थी जी, मैंने सोचा मैं घर से चक्कर लगाऊं। जा, अगर याद रख, अगर मेरे साथ कोई चालाकी करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझ गई? ठीक है साहब। या दूर हो जा मेरी नजरों के सामने से। अच्छा जी। थारी भी क्या मौज लग गई सर। बड़ा सही ठीक बोले बोले ना राणे, तू बड़ा कमीना आदमी है। कमीना तो सर, जिमल से पीसा लेके मीरब से अपनी दुश्मनी निभा रहा है। अरे राणे, तूने कब सोचा होगा कि मीरब के साथ दुश्मनी निकालने के तने पीसे मिलेंगे? ये नंबर किसके? कुछ जाना पहचाना लग रहा है ये नंबर, और सबसे ज्यादा कॉल्स भी इसी नंबर पर होंगी। का भून तो नहीं आ गया? कोई और नंबर सर। हेलो हेलो, अरे बोल भी, फोन कर लिया तो बोल भी ले। सांप सूंघ गया? राणा तनवीर, जिमल ने राणा तनवीर को इतनी कॉल्स क्यों की हैं?
अब बात कुछ समझ आ रही है। जिमल और राणा तनवीर मीरब के अगवा में साथ मिले हुए, लेकिन ये दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? माँ, कहाँ खोई हुई है? कहीं नहीं, कहीं भी नहीं। इतना घबराई हुई क्यों है? क्या बात है? नहीं नहीं, मैं कहाँ घबराई हुई। तू बता, तेरे लिए रोटी लेकर आऊँ? माँ, बात बदलने की कोशिश ना कर। तू हवेली गई थी ना, क्या हुआ वहाँ? कुछ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। एमी एक बात के पीछे पड़ के ना मुझे परेशान ना किया कर। आज क्या हो गया माँ तुझे? अच्छा चलो, नहीं बात बतानी तो ना बता, ऐसे नाराज ना हो मुझसे, ठीक है? चल तू आराम कर, मैं चलता हूँ। नीनी पुत्र, ये तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया? अब मैं क्या कर सकती हूँ तुम्हारे लिए? और इस बस्ती में कौन है ऐसा जो हमारी खातर राणे तनवीर से टक्कर ले? इसको कहूं, कुछ समझ नहीं आती। सनी, हाँ मुझे सनी को बताना चाहिए, हो सकता है वो मीरम के लिए कुछ करे। उसके पास जाती, हाय सनी, सनी पुत्र तू यहाँ खड़ा है? तुझे तो मैं सारी सर्कस में तलाश करके आई हूँ। बस चाची, यार की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए यहाँ खामोशी में खड़ा हूँ, शोरगुल से दूर। तू बता चाची, मुझे क्यों तलाश कर रही है? सब ठीक तो है? नहीं पुत्र, कुछ भी ठीक नहीं है। बहुत परेशानी हो रही है मुझे, मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं किससे बात करूँ तो किससे ना करूँ। फिर मुझे तेरा ख्याल आया तो मैं भागती हुई तेरे पास पहुंची हूँ। चाची आराम से सांस ले, मुझे बता तो सही क्या हुआ है, क्या परेशानी है? देख सनी, पहले तो मुझसे वादा कर कि जो बात मैं तुझे बताने लगी हूँ ना तो किसी और से नहीं करेगा। हाँ चाची, भरोसा रख मुझ पे, किसी को नहीं बताऊंगा मैं, बता मुझे। वो मीरब का नाम तो तुमने सुना होगा, वो बेचारी बहुत मुश्किल में है। क्यों, क्या हुआ चाची उसको? सनी पुत्र, मुझे पता चला है कि वड्डे साई के कहने पर राणे तनवीर ने मीरब को गवाह करके अपने पास रखा हुआ है, और वड्डे साई ने अब ये हुक्म दिया है कि उसे कत्ल कर दे। पुत्र, उसका हमारे सिवा यहाँ कोई नहीं है, बस अल्लाह के बाद तेरा ही आसरा है, तू उसे किसी भी तरीके से बचा ले मेरा पुत्र। लेकिन चाची, तुझे ये बातें बताई किसने? वो मैं वड्डे साई के घर गई थी ना, तो मुझे नीनी ने बताया कि उसने अपने कानों से सुना है वड्डे साई को कहते हुए कि मीरब को कत्ल कर दे। अच्छा चाची, तू बेफिक्र रह, उसको कुछ भी नहीं होगा। पर पुत्र, तू वहां तक पहुंचेगा कैसे? तुझे कैसे पता चलेगा कि राणे ने उसको कहां छुपाया हुआ है? चाची ये सब तू मुझ पे छोड़ दे, मैं ढूंढ लूंगा उसको, तू बस मेरी बात का यकीन कर, उसे कुछ भी नहीं होगा। ठीक है पुत्र, तू ही कुछ कर सकता है, हम गरीब बेचारे तो कुछ भी नहीं कर सकते उसके लिए। राणा तनवीर, कहाँ हो तुम? देखो जो भी काम करना ना एहतियात से करना, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। What do you mean by that? मैं ना फिक्र करूं? मैं क्यों ना फिक्र करूं? मुझे एक एक चीज की खबर चाहिए, पल पल की खबर। मैं जैसे कह रही हूं वैसा करो। ओके फाइन, मैं कॉल बैक करती हूँ। तुम यहाँ पे इस वक्त क्या कर रही हो?
What do you mean by that? मेरा घर है, मैं कहीं पे भी हो सकती हूँ किसी भी वक्त। किससे बात कर रही थी? ओ, तो तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अपने पल पल की खबर दूंगी कि कब कहाँ क्यों किस लिए किससे बात कर रही हूँ? हाँ बताना जरूरी है, बीवी हो तुम मेरी और मुझे पता होना चाहिए कि तुम इस वक्त किससे और क्या बात कर रही हो। ओ रियली, बीवी हूँ मैं तुम्हारी? हाँ, बहुत जल्दी ख्याल आ गया तुम्हें, और अचानक से ये शौहर बनने की ख्वाहिश कैसे आ गई तुम्हारे दिल में? हाँ, इससे पहले तो कभी कभी ख्याल ही नहीं आया। बीवी शौहर, देखो मैं तुम्हें सिर्फ इतना समझाना चाहता हूँ कि कुछ ऐसा ना कर बैठना कि मैं चाह के भी तुम्हारी मदद ना कर सकूं। ओह रियली? तुम्हें क्या लगता है हाथी, मुझे कभी भी तुम जैसे शख्स की मदद की जरूरत पड़ेगी? नॉट एट ऑल। जिमल जो करती है ना अपने बलबूते पे करती है, सो प्लीज डोंट डिस्टर्ब मी। 24 घंटे मेरे सर पे खड़ा होकर हथौड़े मत बरसाया करो। जाओ यहां से, जाओ। मेरी मदद करेगा नाकारा इंसान? माँ, तू कैसी माँ है? मुझे यहाँ छोड़कर चली गई, भूल ही गई है तू मुझे जाकर। मुड़कर एक बार भी देखना गवारा नहीं किया, मैं कहाँ हूँ, कैसी हूँ, किस हाल में हूँ, जिंदा भी हूँ या नहीं। मैंने तेरी खुशी की खातिर क्या कुछ नहीं किया। तूने मेरे साथ फिर एक बार गैरों वाला सलूक किया। जरा भी परवाह नहीं है तुझे मेरी माँ, जरा भी परवाह नहीं है। तू यहाँ क्या कर रहा है? कुछ भी नहीं यार, वैसे ही आ गया था मैं। तू सो जा, वैसे ही आया था। अच्छा एक बात बता, वो राणा तनवीर किधर है? तुझे क्या काम है उससे? काम तो कोई भी नहीं है यार, लेकिन कितने दिनों से उसको मैंने देखा ही नहीं। कहाँ है? शहर गया हुआ है। शहर गया? कब गया शहर? बता दिया ना शहर गए, तंग ना कर, सोने दे मुझे, जा यहाँ से। अच्छा वही सो जा तू। हेलो उस्ताद। अब यूं ही परेशान हो रही है, मुझे तो लगता है उसने यूं ही हवा में तीर छोड़ा है। वो बस देखना चाहते कि आप कैसे रिएक्ट करते हैं। मगर मैं इस बात को इतना इजी नहीं ले सकती। आई हैव टू थिंक अबाउट इट। यू नो वो शख्स शक्ल से बहुत चलाक, बहुत करिंग लग रहा था। अच्छा तो फिर क्या सोचा है आपने, अब क्या करेंगे आप? मेरा नाम भी ज़िमल है, इतनी आसानी से उसे मीरब तक पहुँचने नहीं दूंगी मैं। तुम देखना, ऐसे घुमा के रखूंगी कि मीरब तक पहुंचना तो दूर की बात, अपना रास्ता ही भूल जाएगा वो। लेकिन ख्याल रखिएगा, अगर इस मौके पे ये बात ओपन हो गई ना तो मुझसे तो दूर की बात है, वो आपके साथ भी कुछ अच्छा नहीं करेगा। ओ प्लीज़, तुम तो वैसे ही इतना घबरा रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। आई नो ईच एंड एवरीथिंग एंड आई नो व्हाट आई हैव टू डू। वैसे बाय द वे, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज़ है मेरे पास। अच्छा वो क्या?
हादी को जेठ जी से बात करने के लिए मना लिया है मैंने। वो कैसे? कैसे, कब, क्यों, कहाँ, ये सब सोचना तुम्हारा काम नहीं है। बस तुम देखती जाना कैसे मैं जेठ जी को सहरा पिना के तुम्हारे घर पे लेकर आऊंगी। हाँ, पता नहीं वो दिन कब आएगा और कब खत्म होगा मेरा इंतजार। बहुत जल्दी आएगा बुद्ध, बस थोड़ा सा इंतजार और फिर तुम देखना वही सब कुछ होगा जो हम चाहते हैं। What happened? तुम किस सोच में पड़ गए? हाँ कुछ नहीं, सोच रही थी कि मीरब को तो आपने गायब कर ही दिया है, क्यों ना हमेशा हमेशा के लिए उसका किस्सा ही खत्म कर दिया जाए। ये क्या कह रही हो तुम, मैं कुछ समझी नहीं। ऐसे ही दिमाग में ख्याल आ रहा था कि आप उससे हमेशा हमेशा के लिए पीछा क्यों नहीं छुड़ा लेती। पांव से कांटा निकाल कर आंगन में फेंकने से दोबारा चुभने का खतरा तो होता ही है, इससे अच्छा है कि उसे हमेशा के लिए मिट्टी में दफना दिया जाए। ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। Where's my phone? I think it's inside. रुको मैं अपना फोन लेकर आती हूँ। Okay. Have it. सर्वे करने आए सर? यो सर्वे क्या बला हो भाई? यहाँ सरकार ने स्कूल बनाने का आर्डर जारी किया, इसीलिए यहाँ पर हम जमीन देखने के लिए आए थे। वैसे आपको पता है मैं उस टाइम इतना क्यों हंस रही थी? नहीं, बल्कि मैंने तुमसे पूछा भी था, तुमने मुझे कुछ बताया ही नहीं। सरदार नूर खान से लड़ने की जुर्रत न गांव वालों में है और न गवर्नमेंट में। Subscribe to our channel and press the bell icon for the latest updates.